अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है नेटवर्किंग का, वो रिलेटेड टू प्रैक्टिकल है। मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था 13-26 के कम्बिनेशन के बारे में, मतलब कि ये स्टैंडर्ड्स नेम होते हैं कि जो आपकी DSL की वायर्स होती हैं, आपकी RJ45 के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये 3568B एंड दूसरी साइड पे भी जो है T56A। मतलब कि यहाँ की इस लेफ्ट साइड की और राइट साइड की जो कॉम्बिनेशन है वो 13-26 के नाम से आप याद कर लें कि ये वाइट ग्रीन जो टेबल है वो बी क्लास की जो है, बी साइड की जब हम कनेक्टर बनाते हैं RJ45 में, आपने देखा होगा DSL में आपने वायर्स के कॉम्बिनेशन बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे तो कम अज़ कम उसको खोल के देख लें, मतलब वो वायर को खोल के देख लें W ग्रीन के साथ, और यहाँ के जो W ऑरेंज है वो यहाँ के W, मतलब कि 1-3 and 1-3, ठीक है, इधर का 1-3 and इधर का 1-3, और यहाँ का 2-6 के साथ लेफ्ट साइड का जो राइट साइड का जो है वो लेफ्ट के 2-6 के साथ, बाकी जो है वो ब्लू के साथ, वाइट ब्लू के साथ एंड वाइट ब्राउन के साथ, ब्राउन के साथ। अच्छा, ये तो थे स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मतलब कि ये दो कंपनीज हैं, दो अथॉरिटीज़ हैं, EIA और TIA, टू अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने स्टैंडर्ड जो थे वो डिफर किया था। इथरनेट केबल्स के नीड होते हैं, लाइक स्ट्रेट केबल होती है, क्रॉस केबल होती है एंड रोल ओवर केबल होती है, तीन केबल्स होती हैं, तीनों कनेक्टर्स जो हैं कनेक्टर्स के साथ अटैच की जाती हैं, इथरनेट केबल्स के नाम है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। रोल ओवर केबल तो स्पेशल केबल होती है, यूज इन विच कंसोल फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर एंड स्विच, वी यूज दिस रोल ओवर केबल। अब जो ग्रुप ए है, ये चीज़ें याद रखनी है आपने, ग्रुप ए अगर होगा, लाइक PC ने राउटर के साथ कनेक्ट होना है डायरेक्ट, तो हमने अपने प्रैक्टिकल में क्रॉस केबल यूज करनी है, ठीक है, ये ग्रुप ए है। ग्रुप बी अगर स्विच है, ब्रिज है, हब है, इनको आपस में करना है तो ये भी क्रॉस केबल होगी। लेकिन अगर हमने PC को स्विच के साथ या राउटर को स्विच के साथ करना है तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट केबल यूज करनी है, ठीक है। दैट्स इट कि PC राउटर के साथ डायरेक्ट है तो क्रॉस केबल, अगर आपने PC को स्विच के साथ, ब्रिज के साथ या हब के साथ करना है तो ये होगी स्ट्रेट केबल। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को वैसे ही बताई थी क्लास में, कोएक्सियल केबल, थिन नेट, थिक नेट, मतलब कि ये 10 बेस है, 10 स्पीड है और 5 बेस है, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड, और 5 जो है ये आपकी टोटल मतलब कि कितनी रेंज, लाइक डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस कितनी मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो केबल है ये लगाई जा सकती है, ठीक है। ये देखिए नीचे मैंशन भी किया होगा, ये नीचे मेंशन भी है। वैसे तो ज़्यादा जो बेस है 185 मीटर तक ही इसकी हायर हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 5 की बात करें तो 5 का मतलब है 500 मीटर्स, ठीक है। 2 तो 200 मीटर्स, 3 तो 300 मीटर्स एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं। तो ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की ये आप लोगों ने लेक्चर लिया हुआ है। हाँ जी भाई, ये क्लासेस क्योंकि प्रैक्टिकल है तो फिर आपकी क्लासेस का जो है, लाइक IP वर्जन 4 है और IP वर्जन 6 है, ठीक है, दो वर्जन्स हैं। IP एड्रेसिंग ये इस चीज़ को मत देखें क्योंकि ये मेरे CCNA के नोट्स हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें मैंने लिखी हुई थी, ठीक है। मतलब कि क्लास ए से लेकर ई तक क्लासेस होती हैं तो इसकी रेंजेस है, ए की 0 से लेकर 126 और 127। इसके नेटवर्क्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। होस्ट कितनी होती है, 24 होती है। नंबर ऑफ IPs कितने, 2 की पावर 24, जो आपकी होस्ट होती है वो आपके नंबर ऑफ IPs इन आर नेटवर्क होते हैं। ये यूनिकास्ट है, मतलब एड्रेस टाइप इसका यूनिकास्ट है, मतलब सिंगल टू सिंगल। ई की क्लास 128 to 191, नेटवर्क इसके 16, होस्ट 316, मतलब हाफ हाफ, 2 की पावर 16, ये भी यूनिकास्ट है। सी 192 to 223, 24 इसके नेटवर्क्स हैं, 8 होस्ट हैं, 2 की पावर 8 जो है इसकी टोटल नंबर ऑफ IPs हैं, ठीक है जी, यूनिकास्ट है। डी में ये नेटवर्क और होस्ट इन्वेंट नहीं हुए, मतलब कि ये है कि ये मल्टीकास्ट और फ्यूचर कास्ट के लिए रख लिया था, तो फिर IP वर्जन 6 आ गया,
एनीवे आपने क्लासेस को बड़े अच्छे से याद करना है, ये क्लासेस भूल लेनी चाहिए क्योंकि आपकी बेस है ये नेटवर्किंग में इन होने की। और ये अपडेट होते हैं 0 से लेकर 7 मतलब 8 एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स है कि ये आपको मैंने बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास से जो है वो बिलोंग कर रहा है। हमें पहले वाला अपडेट देख के ही पता चल जाता है कि ये ए क्लास का है, क्योंकि आप उसकी रेंज चेक कर सकते हैं 0 से लेकर 126 तो मतलब 127 है लूप बैक के लिए होता है, ये रिजर्व है। ये हम यूज मतलब कर सकते हैं लेकिन ये रिजर्व है ऑलरेडी, तो 0 से लेकर 126 तक जो है वो हम यूज करते हैं। अब बाकी भी आप इस तरह देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बड़े डिटेल लेक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी। और ये जो है ये बाइनरी है, बाइनरी आप लोगों को तो करनी आनी चाहिए। 2 की पावर 4 थी तो 4 टाइम्स ही हमने इसकी बाइनरी करनी, 3 3 टाइम 2 2 1 1 ठीक है। तो 16 में भी आपको पता है कि ये हेक्साडेसिमल होते हैं, मतलब ए से लेकर एफ तक हेक्साडेसिमल की वैल्यू जो है 10 से लेकर 15 हेक्साडेसिमल में हम काउंट डाउन कर देते हैं। और हर एक डेट में 8 बिट्स होती हैं, IPv4 में 4 पार्ट्स होते हैं, अपडेट होते हैं 0 से लेकर 255 तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। ए क्लास में ये बता चुके हैं 8 नेटवर्क होते हैं, 24 होस्ट होती हैं, 16 16। बी क्लास में हाफ हाफ होता है, सी क्लास में 24 नेटवर्क एंड 8 होस्ट होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को आएंगी तो आप लोग आगे मूव होंगे, नहीं तो फिर अच्छा। अब हम बात करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, यही होती है ना डेसिमल, और उसकी बाइनरी कन्वर्ट करनी है, तो आप लोगों ने ये बाइनरी वगैरह सीखी होगी। अच्छा, 127 मैंने बता दिया था, स्पेशल आईपी है, लूप अडॉप्टर है, लूप टेस्टर। अगर आपको एमसीक्यू, अब तो पता नहीं पेपर होने हैं कि नहीं होने। एनीवे आईपी एड्रेसिंग की टाइप्स होती है, नेटवर्क आईडीज होती है, ब्रॉडकास्ट आईडीज होती है, साइनेबल आईपीज होते हैं। बड़ी बड़ा डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी होस्ट पोर्शन में, होस्ट पोर्शन में मतलब जो आपका होस्ट पोर्शन है, नेटवर्क पोर्शन नहीं, होस्ट पोर्शन में, होस्ट पोर्शन में ही अगर 0 हो जाए सारी की सारी बिट्स तो उसको हम नेटवर्क आईडी कहते हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, होस्ट पोर्शन में सारी की सारी जो है बिट्स 1 हो जाए उसको हम ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं। साइनेबल आईपी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 मतलब आपकी होस्ट आईडी में आईडी, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान में जितने भी आईपीज बनते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्शन में चेंज होना है, होस्ट पोर्शन में, ठीक है। नेटवर्क कभी भी चेंज नहीं होते, नेटवर्क कभी भी चेंज नहीं होते, तो वो होते हैं असाइनेबल आईपीज, ठीक है। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है कि ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, तो आप देख सकते हैं कि इनको जो है वो डिफरेंट आईपीज दिए हुए हैं लेकिन क्लास जो है वो एक ही है, ठीक है। तो राउटर डिफरेंट आईपीज के साथ कम्युनिकेशन कर लेता है। अभी इसकी बात करते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी ब्लाइंड डायरेक्टेड दो दो तरह से होती है, मतलब कि ओवरऑल फॉर ऑल ब्लाइंड सबके लिए वो डायरेक्टेड, मतलब जिसको हमने ब्रॉडकास्ट करना हो। सबनेट मास्क क्या होता है, जितने आपने नंबर ऑफ आईपी नेटवर्क्स प्रोवाइड किए हैं ना स्लैश के बाद, उतने टाइम्स हमने नंबर ऑफ बिट्स को वंस कर देना होता है और बाकी को हमने क्या कर देना होता है, जीरोस कर देना होता है। रूल है जी, इसका रूल यही है, नेटवर्क बिट को हमने वन कर देना होता है, होस्ट बिट्स को हमने क्या कर देना होता है, जीरो। मतलब अब ये 24 है ना, तो 24 टाइम्स हमने वन 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 कर देना है, क्योंकि 24 बिट्स वंस एंड बाकी 8 बिट्स जीरोस। ये बन गया जी आपका सबनेट। नेटवर्क आईडी का मैंने बता दिया कि अगर होस्ट बिट्स 0 हो तो हम उसको नेटवर्क आईडी कहते हैं। ब्रॉडकास्ट आईडी किसे कहते हैं, अगर आप नंबर ऑफ होस्ट बिट्स 1 हो जाए तो ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं। इफ होस्ट बिट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 0s एंड 1 उसको हम असाइनेबल आईपी कहते हैं। तो ये तो बहुत मतलब अगर आपने इन डिटेल इसको सीखना है तो आप उस लेक्चर्स को बड़े गौर से सुने। हाँ जी, भी सब नेटिंग भी होती है। सब नेटिंग क्या चीज़ होती है, एक ही नेटवर्क है मेरे पास, सिर्फ एक नेटवर्क, लेकिन मेरे पास मैंने मतलब कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सेट करना है उसे, एक नेटवर्क को एक ही नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क्स बनाना, कन्वर्ट कर देना सब नेटवर्क में, उसको हम कहते हैं सब नेटिंग।
ठीक है जी, तो ये भी बड़ी अच्छे से समझाई हुई है सबनेटिंग। आप 24 से 26 में कन्वर्ट करना है तो 2 बिट्स हमने बाइनरी करनी। ये भी एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं ये सारी की सारी, मैं सारी करवाई हुई हैं एग्जाम्पल्स, मैंने पिक्चर्स भी सेंड की हुई हैं इसकी ना, इमेजेस की फॉर्म में सेंड किया हुआ है ये सारा का सारा। बाकी ये सबनेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं, अब हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होने लगा। राउटर, हाँ जी, 28/11, ठीक है, मॉड्यूल्स और प्रीलोड्स आर एम्प्टी होती हैं, एडिशनल फास्ट इथरनेट 100 BSTX 100 MBPS, और ये चीज़ें क्या हैं जी, हमने 0/0 फास्ट इथरनेट राउटर स्टार्टेड होता है ऑलवेज, ये आपकी मर्जी है, वो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। फास्ट इथरनेट इज अ केबल, अभी जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी ना फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। और ये स्विच का है, ये स्विच का मॉडल है 2550, ठीक है जी, 24 पोर्ट्स होती हैं, और ये भी ये 01 से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये 00 से स्टार्ट होती है, ये 01 से स्टार्ट होती है। तो मतलब कि 0 स्लॉट नंबर होता है, ये वाला जो 0 है स्लॉट नंबर होता है, ये जो दूसरा होता है ये आपका पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, दोनों ही यूनिक होते हैं। कंसोल केबल्स होती है, ब्लू कलर वाली देखी होगी, कॉम बोर्ड केबल आपने अपने पीसी के साथ, उसको यूएसबी कन्वर्टर के साथ जो है वो जोड़ा जाता है, ठीक है। और सीरियल, ये जो है ना डीसी, डाटा कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट और डाटा टर्मिनल, ठीक है, डाटा टर्मिनल इन्वायरमेंट। तो ये एंड टू एंड जो है हम लगाते हैं राउटर के साथ में, टाइमर भी, टाइमर वाली केबल भी लगा सकते हैं, और डाटा कम्युनिकेशन करनी है तो डीसी ही, डाटा टर्मिनल करनी है तो डी, हम ये यूज़ करें। अच्छा, ये भी सारी इंफॉर्मेशन इसी चीज़ से रिलेटेड है कि देख लें आप, हाइपर टर्मिनल्स सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन होती है, कॉम, ये केबल्स के बारे में लिखा हुआ है, ये ना मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप लोगों ने कहना है कि पता नहीं मैम ने क्या उंगली यूट्यूब पर इकट्ठी फिक्स की हुई है, तो ये मेरे CCNA के नोट्स हैं, तो इसलिए फिर ऐसे ही लिखा जाता है ना अपनी आसानी के लिए। अच्छा, CLI कमांड लाइन इंटरफेस वेयर वी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर, अब इस तरह की भी पोर्ट होती है, 3 टाइप्स की भी होती है जो आपके राउटर के साथ कनेक्ट होती है। पहले वाली को हम इंटरनल स्लॉट कहते हैं, दूसरे वाली को हम स्लॉट मॉड्यूल कहते हैं, इसमें ये मॉड्यूल जो है ना, ये मॉड्यूल ये चेंज हो सकता है, मतलब कि हम एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, राउटर में स्पेसिंग होती है, वन पोर्ट के लिए होता है। ये चीज़ याद रखनी है, राउटर एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है, उसको अप करना पड़ता है, ठीक है, मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, एक आईपी देना पड़ता है, एक उसकी पोर्ट को अप करना पड़ता है, ठीक है, तो और देन वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं इनेबल डिसेबल, ये मोड होते हैं, ठीक है, ये मोड्स हैं, ये आपके जो प्रैक्टिकल में अभी मैं करवाऊंगी तो फिर पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। डिफरेंट मोड्स होते हैं, यूजर प्रिविलेज मोड कहा जाता है, प्रिविलेज मोड से अगेन यूजर में जाने के लिए डिसेबल करना पड़ता है, एग्जिट मतलब कंसोल ऑफ मेन एग्जिट फ्रॉम द मोड्स, ठीक है। राउटर नेम चेंज करना है, उसकी कमांड है होस्ट नेम NFC, ये डिफरेंट कमांड्स हैं, तो जैसे राउटर्स के मोड होते हैं, तो ये डिफरेंट मतलब कि आपकी राउटर के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, राउटर को पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए आईपी लिखेंगे, सबनेट मास्क लिखेंगे और गेटवे देंगे, ये किसको देना है, ये पीसी को देना है, ये पीसी को देना है, ठीक है। जो ये गेटवे है, ये जो वायर यहाँ पे कनेक्ट है, ये गेटवे इस राउटर का नेम है, यहाँ पे हमने राउटर को भी, राउटर की कमांड्स में जाके भी हमने जो है अपने लेक्चर को, सॉरी लेक्चर कह दिया, अपनी कमांड जो है इधर आपने अपना आईपी मेंशन करना, ठीक है, मतलब राउटर को करने के लिए शट डाउन, मतलब कि उसकी पोर्ट को आप करना पड़ता है, नो शट डाउन करने करके ना, ठीक है, नो शट डाउन फॉर आप, शट डाउन मतलब क्लोज, और कमांड है आईपी एड्रेस, जो भी आपका गेटवे पीसी को दिया हुआ है वो यहाँ पे राउटर को हमने देना है आईपी एंड देन सबनेट मास्क, आपका फिर जो है राउटर कम्युनिकेशन प्रॉपर करेगा। डॉट डॉट का मतलब है टाइम आउट, 3 एक्सक्लेम साइन का मतलब है सक्सेस, कि आपकी जो है कम्युनिकेशन प्रॉपर हो चुकी है। अब सेव कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट मेमोरी, कॉपी रनिंग, अगर हाँ,
हमें ना कमांड्स लिखनी नहीं आई तो आप क्वेश्चन मार्क्स डाल सकते हैं, थोड़े से भी पता होता है ना बंदे को तो वो क्वेश्चन मार्क के पूरी उसको कर देगा। कॉपी रनिंग कॉन्फिग फिर स्टार्ट लिखा तो आपको भूल गई आगे। तो NFC, ये NFC क्या है, ये नेम चेंज किया है राउटर का और कुछ भी नहीं है। कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग ये पूरी सेव कमांड है कि आपने जितनी भी कमांड्स लिखी है राउटर में वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। शो शो की कमांड्स होती हैं, शो के आगे आप क्वेश्चन मार्क डालें आपको सारी की सारी शो की कमांड्स मतलब आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। तो शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी टेबल, शो आईपी राउट, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये सारी की सारी किसकी कमांड है आपके मतलब आपने जो भी कमांड्स वगैरह अपनी आईपी दिए हैं, आपने देखना है राउटर की इंफॉर्मेशन लेनी है, पीसी की इंफॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद ये चीजें हैं, स्टैटिक राउटिंग होती है, ठीक है। ये स्टैटिक राउटिंग की कमांड्स है, राउटर कॉन्फ़िग आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी सबनेट मास्क ऑन गोइंग इंटरफेस, मतलब कि जिस इंटरफेस से गुजर रही है। ये ना जब हमारे राउटर्स 2 या 3 होते हैं तब ये हम जो है वो मेंशन करते हैं, ये लाजमी होता है। देखो भाई मुझे आपका नाम नहीं पता, नहीं ना पता तो आपको, आप तक पहुंचने के लिए मुझे सारा का सारा एड्रेस लेना पड़ेगा, मुझे पाथ जानना पड़ेगा। तो ये चीज होती है कि हमें भी दूसरे तक पहुंचने के लिए उस डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी देनी पड़ती है, सबनेट मास्क देना पड़ता है, नेक्स्ट होप आईपी देना पड़ता है। और एक होता है डिफॉल्ट राउट, ये हम मेंशन कर देते हैं। डिफॉल्ट राउट का ये फायदा है, बड़ी नाइस कमांड है ये, कि हमें ना अलहदा अलहदा हर किसी को आईपी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। अगर आपने कोई गलती से कमांड लिख दी है, गलती से हो गई है, तो उस कमांड से पहले उसी वाले मोड के अंदर जाके नो लिख दें, वो कमांड जो है वो रिमूव हो जाएगी। हाँ जी, अब हम ना बात करते हैं इसके मोड्स की। कॉन्फ़िगरेशन कमांड के मोड्स होते हैं, 5 मोड्स होते हैं। पहला राउटर का मोड होता है जिसे हम यूजर मोड कहते हैं, बेसिक लिमिटेड शो कमांड, इसमें ज्यादा हाई कमांड यूज नहीं होती। राउटर हैश प्रिविलेज मोड कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसमें ये सारी की सारी चीजें जो है वो होती हैं, सम वेरी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से रेज राउटर रीस्टार्ट रीलोड। राउटर कॉन्फ़िग, हाँ जी, ये जनरल मोड होता है वेयर ऑल कॉन्फ़िगरेशन डन, ये ना ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। इसी से ही हम फर्दर अपनी फास्ट इथरनेट इंटरफेस के अंदर जाते हैं इस मोड के अंदर, और यहाँ पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन मोड की कमांड्स लिखनी होती हैं, ठीक है। फास्ट इथरनेट के अंदर आगे पोर्ट आप हो गई, अब आप यहाँ पे अपने आईपी एड्रेस देते हैं इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में। राउटर जो है, राउटर की बड़ी टाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि रिप है हो गया, OSPF हो गया, ये मॉडल्स होते हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए राउटर के मोड्स की, राउटर के जैसे कि ब्रांड होते हैं ना ब्रांड, अब राउटर के भी ब्रांड होते हैं, रिप है, OSPF है, EIRGP है, तो ये डिफरेंट राउटर्स के मोड्स हैं, ठीक है, राउटर्स की टाइप्स हैं। हाँ जी, ये सिंपल लिखा हुआ है, राउटर में लिखा, इनेबल लिखा, डिसेबल करेंगे तो वापस इस मोड में आ गया, ठीक है। इनेबल किया, ये आपने स्टार्ट से याद रखना, इनेबल किया, कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखा, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड के अंदर आ गए, इंटरफेस के अंदर जाना है, ये हम लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, फिर एग्जिट करना है तो वापस वो उस मोड के अंदर चला जाएगा, इस मोड के अंदर बैक। तो ये था आपका एक सिनेरियो। अब हमने रियल रियल में मैं आपको ना इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करके दिखाऊंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा सा एडवांस साइड पे चले जाऊंगी। ये एक मतलब ये ज्यादा हाई है ना, अभी अभी मैं आपको ये नहीं करवाऊंगी, मैं एक अभी सिंगल पीसी टू राउटर कनेक्टिविटी करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, करेंगे हम यही वाला आईपी ले लेते हैं, ठीक है, यही वाला आईपी ले लेते हैं। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर प्रैक्टिकल सिस्को पैकेट ट्रेसर में। हाँ जी भाई, वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये है आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। आप कोई भी वर्जन कर लें, कोई इशू नहीं है। ये सारी की सारी ऊपर जो है वो मेन्यू बार है, ये टूल्स बार है, बड़ी आपको पता है, और ये मेन विंडो है जहाँ पे हमने काम करना है। एंड ये टेक्स, ये सिलेक्ट करने के लिए, ये टेक्स्ट लिखने के लिए, ये कोई भी अगर गलत लिखो हमसे
आ गया है राउटर या कुछ भी, ये सर्च करने के लिए, मतलब कि ये मैसेजेस पैकेट सेंड करने के लिए, एंड ये चीज़ें जो है टाइमर चल रहा है यहाँ पे, अगर आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी तो वो शो होगी, ठीक है। और ये आपके डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लाइक आप मुझे एक पीसी चाहिए तो मैं फिर क्या करूँगी, पीसी के ऊपर क्लिक करती हूँ, मैंने एक जनरल पीसी ले लिया, मैंने इसको ड्रैग किया एंड हियर इज ड्रॉ, ठीक है, ड्रैग, अब देखिए ये मेरे से दो बार आ गई है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये रिमूव हो जाए, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, ये रिमूव हो गया। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये फिर रिमूव हो जाएगा, तो मुझे रिमूव थोड़ी करना है बार बार, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ए है, ठीक है, उसमें पीसी था और राउटर था, ठीक है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल यूज करेंगे, क्रॉस केबल, ठीक है, एक ग्रुप ए में थे ना ये दोनों, पीसी और राउटर, क्रॉस केबल यूज करेंगे हम, लाइक अब मैं अभी नहीं मैं यूज करूंगी, मैंने अब राउटर भी तो लेना है ना, मैं ये देखा राउटर के ऊपर क्लिक किया, 2811 के बारे में बताया था, ये अच्छा है हर तरह से ना मैनेज हो जाता है, 2811 का राउटर आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यही केबल्स है, मैंने केबल्स के ऊपर क्लिक किया, अब इसमें से फाइंड आउट करें, ये ना ऑटोमेटिकली केबल है, इसने ऑटोमेटिकली इसके साथ अटैच हो जाना है, लेकिन मुझे अभी ऑटोमेटिकली नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को बताना है। अच्छा, कॉपर स्ट्रेट हो गई, कॉपर क्रॉस हो गई, अब देखें ये वाली केबल लगनी है ना, क्रॉस ओवर केबल लगनी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इस पर लगाई, हर एक पीसी का सिर्फ एक ही पोर्ट होती है, एक ही फास्ट इथरनेट 0 पोर्ट के साथ कनेक्ट किया, राउटर की देखते हैं, राउटर की 2 एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, मैंने FA फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ कनेक्ट कर दिया। हाँ जी भाई, अब आपका एक पीसी जो है वो राउटर के साथ कनेक्ट हो गया, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, मैंने पीसी के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे ऑन है, ये ऑफ है, ऑन, ठीक है, ये ऑन है, ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स ऐड करने के लिए होता है, ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ये डेस्कटॉप, हाँ जी मुझे डेस्कटॉप पे करना है, ठीक है, ये आपकी कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसके जैसे आपकी CMD विंडो होती है, इसमें हम मतलब कि ये आपका सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, आपको रियल लुक देता है। IP पे जाना है, हमने IP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक करना है, मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्टैटिक के ऊपर जाना है, IP लिखे, IP मैंने ना ये वाले ही देने हैं, ये देखें ये वाला IP दें 192.168.1.1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 192.168.168.1.1, ठीक है, ये हो गया IP एड्रेस। अच्छा भाई, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब मैंने उसके ऊपर एंटर किया ना, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे निकालते, मैंने बताया। अच्छा, ये डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे जब तक आपने नहीं देना, आप राउटर के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ अटैच नहीं हो सकता, स्पेशली राउटर के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जो मर्जी करना, और ये भी फिर सेम क्लास का होना चाहिए, ठीक है, 168.1.100, ये डिपेंड करता है, मैंने उसी क्लास में से चूज कर लिया कोई भी अपना ना। अच्छा, अब ये हो गया पीसी को, पीसी का IP, ठीक है, पीसी को दे दिया, पीसी को मैंने दे दिया, अब ये राउटर है, ठीक है, जब इसके ऊपर ऐसे जाते हैं ना, जब आप इसके ऊपर ऐसे जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे, देखिए कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, आपने किसके साथ कनेक्ट किया था, फास्ट इथरनेट के साथ कनेक्ट किया था, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, फास्ट इथरनेट डाउन है, मतलब कि आपने अभी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैंने राउटर के ऊपर डबल क्लिक किया, ये देखिए ये भी ऑन और ऑफ होता है, ठीक है, इसको ऑन कर दिया, ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स लगाने के लिए, अभी नहीं, मॉड्यूल्स अभी लगने ही नहीं है क्योंकि अभी तो सिंपल काम कर रहे हैं ना, ये कॉन्फ़िगरेशन है भैया, आप कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने शॉर्टकट मेथड को नहीं फॉलो करना, अभी मैंने आपको रियल में कमांड्स लिख के बताने, ठीक है। आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग्स
नौ लिख दें, एंटर कर दें। अगर आप यस लिखेंगे ना तो बड़ी लंबी कॉन्फ़िगरेशन चलती जानी है। अच्छा ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने एंटर किया है, इसे कंफ्यूज नहीं होना कि मैं हमने पता नहीं कितनी बार एंटर कर दी है। इसका कोई खास मतलब नहीं है, इसका कोई खास पर्पज भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ना बड़ी राइटिंग छोटी बहुत है तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, टूल्स में जाते हैं, जाएंगे हाँ जी प्रेफरेंसेस में जाएंगे, फॉन्ट्स में जाएंगे, एंड कौन सी विंडो थी, सीएलआई, हम इसको 17 कर लेते हैं, ठीक है। और वर्क प्लेस को भी हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना, अप्लाई कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि पीछे क्या हुआ, स्क्रीन बड़ी हो गई, ठीक है। और अब जब अपने राउटर के ऊपर वापस आते हैं, देखिए आपके लिए मैंने इसको बड़ा किया, ये राउटर के ऊपर क्लिक किया हुआ ना, ये राउटर है। अच्छा अब आगे याद जाना है, ये राउटर का मोड है। अब हमने भाई आईपी देना है, अब हमने पोर्ट अप करनी है, मैंने क्या करना है, इनेबल लिखा, एंटर किया, प्रिविलेज मोड आ गया, खुद देख ले कौन सा मोड आ गया, प्रिविलेज मोड आ गया, ठीक है। अब आगे आगे जाना है, क्योंकि इस मोड में तो नहीं ना हमने कमांड्स लिखनी, इसका आईपी तो नहीं ना देना, जैसे आप लोगों का नाम होता है, हर राउटर को भी नाम देना पड़ता है। राउटर ना एक गूंगी बहरी बोली, सारी बुराइयां है इसमें, जब तक इसको हम खुद मेंशन ही ना करते प्रॉपरली सब कुछ, तब तक ये गूंगा बहरा ही है। इनेबल किया, ठीक है। अब मैंने वो जो बताई थी, डिसेबल करेंगे, वापस कौन से ऊपर आ गई, वापस आपके यूजर मोड के ऊपर आ गई। एनीवे ईएन मतलब इनेबल, मैंने ये एंटर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने भी इतनी बार एंटर करना, ये मैं आपको बता रही हूँ। इनेबल किया, प्रिविलेज मोड के अंदर आए, अब मुझे अगले मोड के अंदर जाना है। मैंने लिखा कॉन्फिग टर्मिनल, ठीक है। अब कौन सा मोड आ गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया। अब हमने, मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट किया था, फास्ट इथरनेट के साथ किया था ना, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ किया था ना। हमने लिखा इंटरफेस एफ ए, इट्स मीन फास्ट इथरनेट 0/0, एंटर। कौन सा मोड आ गया, कन्फिग इफ टर्मिनल मोड। हाँ जी भाई, इस मोड में हमने इंटरफेस के अंदर आए, किसी के घर जाते हैं मतलब आप बेल बजाई, ठीक है, घर में जाना है, आपने अंदर घुसना है तो आपको उसको कुछ पता होगा तो आप उसकी बेल बजाएंगे या ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। आपने ये खुद बताया, हाँ भाई इसका ये नाम है, इसका इंटरफेस ये है, इसकी केबल ये है, ठीक है। उसके अंदर गए, अब लिखा, अब हमने इसकी पोर्ट को अप करना है, नो शट डाउन, नो शट डाउन, इसका मतलब है कि पोर्ट को हमने अप करना है। आप पढ़ लें कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप, इसकी पोर्ट अप हो गई, हमें कैसे पता चलेगा पोर्ट अप हो गई, ये देखिए दोनों ग्रीन हो गए ना ग्रीन, तो ये पोर्ट अप होगी, लेकिन अभी कम्युनिकेशन नहीं होगी। लाइक मैं एक पैकेट सेंड करती हूँ, ठीक है, एक पैकेट सेंड कर रही हूँ यहाँ से यहाँ, क्या कह रहा है, राउटर हैज नो फंक्शनल पोर्ट, ठीक है। एनीवे हम दोबारा इसको करते हैं, हम इसकी कमांड्स के अंदर जाते हैं। अब एक चीज थी मैंने बताई कि ये जो है पीसी में हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन में ये जो चीज दी है ना, ये गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे, ये राउटर के अंदर घुसने के लिए हम पाथ देते हैं हर पीसी को। जब ये राउटर कनेक्ट किया जाता है तो राउटर का पाथ पीसी के पास गेटवे के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। और मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता होगा तो मैं तुमसे कम्युनिकेशन कैसे करूँगी, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन मैंने अपने पास रखी। ये वाला आईपी हमने राउटर की इस पोर्ट को, फास्ट इथरनेट पोर्ट को देना है, ठीक है। क्या था जी कमांड है इसकी, आईपी एड्रेस
92.168.1.100। और याद रखना है आगे सबनेट मास्क आपको पता होना चाहिए, ये आपने खुद लिख लेना। ये क्लास सी है, मैंने एंटर किया कोई एरर नहीं आया। ये क्या चीज है कि ये आईपी अब जो है आपके राउटर को दे दिया गया है, ठीक है। ये पीसी के पास एज अ गेटवे है, ये राउटर का नेम। तीन चीजें करनी है, इंटरफेस के अंदर आना है, नो शट डाउन करना है, इंटरफेस के अंदर आना है, नो शट डाउन करना है। आईपी एड्रेस कमांड है, ये रिजर्व है, ये जो आपने गेटवे पीसी को दिया होगा वो होगा सबनेट मास्क, इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये अब आपका जो आईपी है वो दे दिया गया है, ठीक है। लेट्स सपोज करें मुझसे गलत कमांड्स लिख हो गई है, गलत लिख हो गई है यही वाली, तो मैं ये अप डाउन एरो होते हैं उसके साथ आ गई, मैंने किया नो, सॉरी इधर नहीं, किसी भी कमांड से पहले क्या लिखना है, किसी भी कमांड से पहले नो लिख देंगे तो वो कमांड रिमूव हो जाएगी, लेकिन मुझे रिमूव नहीं करनी, ठीक है, मुझे रिमूव नहीं करनी। एनीवे अब मैंने देखना है कि क्या ये आई इस मतलब मेरी फास्ट इंटरनेट 0/0 को दे दी गई है या नहीं दी गई, तो उसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट एग्जिट करती हूँ और मैं कॉन्फ़िग मोड के अंदर आगे, वन स्टेप बैक आ गई ना, फिर मैंने कंट्रोल जी करती हूँ तो मैं डायरेक्ट कौन से मोड में आ गई, प्रिविलेज मोड के अंदर आ गई, कंट्रोल जी मैंने किया ना, तो कंट्रोल जी किया जो प्रिविलेज मोड के अंदर, और शो कमांड चलती भी यहीं पे, ठीक है। शो कमांड लिखेंगे शो आईपी, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आप खुद देखो, ये देखें फास्ट ईथरनेट आईपी एड्रेस ये है, यस मैनुअल किया, अप है स्टेटस, प्रोटोकॉल अप है, बाकी ये डाउन है ना, क्योंकि मैंने तो और पोर्ट के साथ कनेक्ट किया, एक ही पीसी लगाया और एक ही वायर लगाई, एक फास्ट ईथरनेट 0/0 और उसको मैंने आईपी दे दिया, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, जो आपने पीसी में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर गेटवे दिया है वही आईपी का एड्रेस होता है, आईपी का एड्रेस होता है, मतलब एक राउटर का आईपी एड्रेस होता है, उसके इंटरफेस में जाते हैं, पोर्ट अप करते हैं, आईपी दे देते हैं, ठीक है जी। अब मुझे ये सारी की सारी कमांड सेव करनी है, ठीक है, मुझे सारी की सारी कमांड सेव करनी है, तो मैं क्या करूंगी, एक तो ये है जो आपको मैंने यहाँ पे बताई थी, ये देखें सेव की कमांड्स, सिंपल आप राइट मेमोरी लिख लें, ठीक है। राइट मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग कमांड्स नहीं है, मैं अगर लिख देती हूँ, लेट्स सपोज कर लो राइट, ये चीज़ें याद रखनी है कि ये प्रिविलेज मोड में ही चल रही है, अगर आपने किसी और मोड में चलानी है ना तो उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, डू लिखना पड़ेगा, राइट मेमोरी सेव हो गई, ये डब्ल्यू आर भी लिख सकते हैं, सेव हो जाएगी, ठीक है, डब्ल्यू आर सेव हो गई। ये तो एक छोटी कमांड है, अगर मुझे ज्यादा सारी की सारी कमांड्स को सेव करवाना है, मतलब अच्छे तरीके से कि हाँ स्टार्टअप पे भी बिल्कुल गायब ना हो, तो हमने पूरी की पूरी कमांड लिखनी होती है, वो क्या है, वो ये है कॉपी रनिंग, कॉपी किया, मुझे आगे भूल गई, ये देखें आगे आ गई इंफॉर्मेशन, रनिंग और स्टार्टअप, कॉपी रनिंग, सॉरी ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने गलत लिखी है, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है क्या आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हाँ जी मैंने कहा मैं ये फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, मैंने क्या किया कॉन्फिग, मुझे आगे फिर भूल गई, अब कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्ट अप कॉन्फिग, ये आपकी ये ले, ये आपका ये आपकी प्रॉपर होती है सेविंग की कमांड, जो ये है कॉपी रनिंग कॉन्फिग
एंड स्टार्टअप कन्फिग, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब सेविंग की कमांड्स, आपने जितनी भी अभी तक कमांड्स लिखी वो सारी की सारी सेव हो गई। अब ये चीजें हमने कर ली, ठीक है, यही चीजें मैं बता कहती हूँ ना, आईपी दिया, सबनेट मास्क दिया, गेटवे दिया, दैट्स इट। अब अगर मुझे होस्ट नेम चेंज करना है तो मैंने उसकी भी कमांड आपको बताई थी। ये वाला मोड है कन्फिग मोड, उसमें जाना है, होस्ट नेम चेंज करना है मुझे, मतलब अपने राउटर का नेम चेंज करना। मैं क्या करूंगी, कन्फिग टर्मिनल, टर्मिनल मोड में गई, आ गई मैं, ठीक है। मैंने एंटर का कोई और पर्पज नहीं है, ये आप ना समझे कि पता नहीं एंटर क्यों करी जा रही है मैम, ये मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि वो बिल्कुल नीचे नीचे ना रहे, है ना। हमने लिखा होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम आपने इधर चेंज करना है। मैंने इस राउटर को दे दिया GPCSF, देखें भाई चेंज हुआ कि नहीं, हो गया ना नाम चेंज। तो ये होता है होस्ट नेम को चेंज करना, ठीक है। अब मुझे शो की कमांड इस मोड में वैसे चलती नहीं है, अगर मैं चलाऊंगी तो देख लें आप, एरर आएगा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या कह रहा है, इनवैलिड है। लेकिन अगर मैं इसी कमांड से पहले डू लिख देती हूँ, देखिएगा जादू हो जाना है, डू लिख दिया, आ गया ना, तो ये आपका इंटरफेस शो हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, आपने राउटर देखने हैं, राउटर्स की टाइप्स होती हैं बहुत सारी ना, तो वो क्या है, डू लिखे, ये इस कॉन्फ़िगरेशन मोड में डू के बगैर नहीं चलनी शो की कमांड, प्रिविलेज मोड, हैश मोड में चल जानी है डायरेक्ट, शो आईपी राउट, ये देखिए क्यों नहीं चली, मैंने शो नहीं लिखा, डू लिखा, शो पहले किधर आएगा, डू शो आईपी राउट, क्या कह रहा है कि सी जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है इस वाले नेटवर्क के साथ, इस फास्ट इंटरनेट के साथ, और बाकी ये जो चीजें हैं ना, सी मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड, एस मतलब स्टैटिक, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं राउटर्स के, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं राउटर्स के, ठीक है जी। ये था भाई आप लोगों का लेक्चर, और हाँ जी, हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं, पासवर्ड्स वगैरह भी लगा सकते हैं, एक तो सिंपल तरीका होता है पासवर्ड लगाने का, और एक जो होता है वो आपका एडवांस, लाइक जैसे कि पासवर्ड मैंने लगाना है सिंपल पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 इनवैलिड कमांड, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, लेकिन आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करें, ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा बड़े अच्छे से, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, सब करें, और मुझे इसकी आउटपुट लाजमी बताएं कि मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, ठीक है। और राउटर को हमेशा याद रखना है, आपने पहले ये राउटर फर्स्ट टाइम ऑन करना है तो नो ही लिखना, अगर आपने कर दिया यस तो फिर बस लंबी कम्युनिकेशन इसकी स्टार्ट हो जानी है, और चुप नहीं होना इसने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने मोड्स देखे, यूजर मोड है इनेबल लिखा, डिसेबल ना करने बैठ जाना, ये मैंने आपको करने के लिए बताया, एग्जिट करते हैं, डिसेबल करते हैं, वापस फर्स्ट मोड में जाने के लिए, ठीक है। फिर हमने कन्फिग टर्मिनल लिखा, फिर उसके बाद हमने इंटरफेस जो हमने सेलेक्ट किया था केबल का वो लिखा, नो शट डाउन किया, फिर हमने आईपी दिया, आईपी एड्रेस कहाँ पे दिया, राउटर का, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये आपके पीसी का गेटवे होता है जो राउटर को एज अ नेम दिया जाता है, ठीक है। अब आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, सेव की कमांड्स बताई हैं मैंने आपको, शो मतलब आपने देखना कि कौन कौन से आईपी के साथ, मतलब कि फास्ट इंटरनेट के साथ कौन सा आईपी अटैच है, पोर्ट आपके है या नहीं है, ठीक है जी।
और फिर मैंने आपको बताया सेव की एक सिंपल कमांड डब्ल्यू आर राइट मेमोरी या फिर डब्ल्यू आर, फिर और दूसरी एडवांस बताई इसकी मैंने कौन सी वाली, शो कॉपी किया, रनिंग कन्फिग किया, स्टार्टअप कन्फिग किया, ठीक है। फिर मैंने होस्ट नेम चेंज करना बताया आपको, और फिर मैंने ये भी बताया कि अगर कोई गलत कमांड लिख जाए तो उससे पहले नो लिख देना है और रिमूव हो जाएगी। अगर कोई आप शो की कमांड या किसी और चीज़ की कमांड को देखना चाहते हैं, किसी और मोड में लिखना चाहते हैं तो डू लिखेंगे। होस्ट नेम चेंज करना बताया, दैट्स ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, इधर जाएं पीसी पे, पीसी पे जाना है, इसको कट करें, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं, लिखें भाई पिंग, पिंग लिखें, किसको पिंग करना है, राउटर को ही करना है ना, कैसे करेंगे, 192.168.1.100, यही था ना आपने आईपी दिया राउटर को, यार पीसी का गेटवे भी है, अभी देख लेते हैं। हाँ जी भैया, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रही है, हमें कैसे पता चला, रिप्लाई आया, हाँ जी भाई रिप्लाई, चार दफा रिप्लाई आ गया, चार पैकेट सेंड हुए, चार ही रिसीव हुए, चार ही पैकेट सेंड होते हैं, कोई भी लॉस्ट नहीं हुआ, इतने टाइम में इतना एवरेज मिली सेकेंड्स में इसने कम्युनिकेशन की, ठीक है जी। तो इसी तरह आप राउटर से भी पिंग कर सकते हैं, राउटर से भी पिंग किया जा सकता है, आपने देखना है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, देख लेते हैं। इधर पिंग, पिंग लिखा 192.168.1.1, ओह सॉरी यहाँ पे तो ये कमांड ही नहीं चल रही थी, इस मोड में हम लिखते हैं ping 192.168.1.1। हाँ जी भाई ये देखें, फाइव टाइम्स एक्सक्लेम आया, इसका मतलब होता है कि आपका टाइम जो आपकी कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है जी, 100%। तो ये था भी आपका लेक्चर, सो अल्लाह हाफिज, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।